8 मई के ईश्वरवदान में आप सबका स्वागत है। हमारे सबके पास में एक स्टॉक है, सहयोग करने का स्टॉक। उस स्टॉक को इस्तेमाल जब हम करते हैं सही ढंग से, सही तरीके से, तो हम कईयों की दुआएं पाते हैं, कईयों की मदद कर पाते हैं और एक विशाल कार्य को हम सफल कर पाते हैं। आज परमात्मा इसी के बारे में बात कर रहे हैं और परमात्मा आज हमें अपने ही शब्दों में, पवित्र शब्दों में समझाते हैं कि अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दाता मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। सर्व को सहयोग दो सेवा में सफलता के लिए। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना। बिगड़े हुए कार्य को, कोई कार्य हुआ जो बिगड़ गया है, आपने कुछ गलत कर दिया है, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन हमें उसको सफल करना है। बिगड़े हुए संस्कारों को, अपने या किसी और के, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना। इसका अगर मूड ऑफ है तो उसको शुभ भावना देनी है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते। अगर हम परिवार में भी रहते हैं, आसपास भी रहते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना, मतलब दूसरे आत्मा को सही दिशा दिखा देना, सही तरीके से चलना सिखा देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह पर जगह भर देना। मतलब किसी के अंदर कोई कमी होती है, आपको अगर लगता है किसी के थाल में थोड़ा सा सब्जी कम पड़ी हुई, तो क्या करते हैं, उसके और सब्जी डाल देते हैं, दाल और डाल देते हैं, चावल और डाल देते हैं। लेकिन ये बात हो रही है मानसिकता की। किसी के मन में अगर समझ नहीं है, बूझ नहीं है, शक्ति नहीं है समझने की राइट क्या रॉन्ग क्या है, तो उसको सही दिशा सही तरीके से दिखा देना बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी और तरीके के। ये करने से ही हम औरों को सहयोग देते हैं, औरों को शुभ भावना देते हैं, औरों को सही रास्ते पर लाते हैं। नहीं तो पाप कर्म उनके बढ़ते जाते हैं और उस कारण से वो खुद ही दुखी होते रहते हैं। ये कार्य हमें परमात्मा ने सौंपा हुआ है कि हम औरों को गाइड करें और औरों को हम हेल्प करें सही केयर और गलत क्या उसको समझने में। तो ये सारी चीजें परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाते हैं। आप भी आकर के सीख सकते हैं और अपने संबंधों को आप और बेटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज अपने आप को बेटर करना जरूरी है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये समझना जरूरी है। और सही दिशा पर चलने के लिए दम भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। सत्य को स्थित करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही प्यार से स्थित करने की जरूरत पड़ती है, जो कि ब्रह्म कुमारी सिखाता है हमें, जिसमें कि आपके रिश्ते नहीं टूटते हैं, लेकिन दूसरी आत्मा को समझ आ जाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और आपकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अगर नहीं हो तो आप तो क्रोध इस्तेमाल करेंगे, रिवेंज लेंगे, लेकिन आपकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं तो आप रिवेंज और क्रोध नहीं इस्तेमाल करते हैं, बदल नहीं लेते हैं, आप बदल के दिखाते हैं तरीके, वही बात को सही तरीके से समझा करके और उनके अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको ठीक करके। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में। आप भी आकर के इस विद्या को ले सकते हैं और अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, जो कि बहुत जरूरी हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनको आप सही कर सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।